देखो तो जब हम स्किल की बात करते हैं ना तो लोग स्किल को स्किल को एजुकेशन पर लेके जाते हैं एजुकेशन से स्किल आती है बिल्कुल सही है लेकिन एजुकेशन और डिग्री में फ़र्क है अब जैसे आप दुनिया के टॉप ट्वेंटी बिलीनियर्स उठा लो उनमें से शायद ही कोई ऐसा मिले या कोई भी ना मिले बिकॉज ऑफ वो अपनी डिग्री के टॉप पर बैठा है ऐसा कोई नहीं मिलेगा जितने भी लोग आप देखो कि आज दुनिया में बड़ा नाम कमा रहे हैं काम कमा रहे हैं पैसा दौलत शौहर सब कुछ है वो अपनी डिग्री की वजह से नहीं है अपनी एजुकेशन की वजह से है डिग्री की वजह से नहीं है सर एजुकेशन और डिग्री में फ़र्क समझो जो आप कॉलेज में आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो आपको एजुकेशन मिल रहा है लेकिन उस एजुकेशन का पर्पज़ सिर्फ डिग्री देना है आपको वो एजुकेट उस बारे में एजुकेट करना नहीं है जो समाज को चाहिए जिस चीज़ के डिमांड है जिस चीज़ से आप लाइफ में कुछ बनोगे तो ऑलवेज फोकस ये करो कि आपको वही सीखना है उसी के बारे में एजुकेशन लेना है जिससे आपको काम धाम मिलेगा अब जैसे मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सपेक्टिव है गलत भी हो सकता है मैं कहता हूँ कि प्लस टू तक ठीक है स्कूल कॉलेज में पढ़ लो प्लस टू के बाद नॉर्मल ट्रेंड क्या है इंडिया में आज के टाइम में बच्चा टेंथ करेगा प्लस टू करेगा फिर कॉलेज में ग्रेजुएशन करेगा और अब मास्टर्स भी करेगा वो भी ऐड हो गया कुछ सालों पहले तक तो ग्रेजुएशन तक सीमित था हमारे बाबू जी दादाजी के टाइम पे तो प्लस टू तक ही सीमिट था हाँ। उनके भी पहले जाओ तो टेंथ तक ही सीमित था सर बीस साल बाद जाओगे तो मास्टर्स के बाद भी कुछ आ जाएगा करते रहते लोग मैं कहता थोड़ी बुद्धि इस्तेमाल करो जो आपको कॉलेज और स्कूल में पढ़ाया जा रहा है प्लस टू तक का ले लो उसके बाद निकलो उस रेस से ग्रेजुएशन मास्टर्स के रेस से बाहर निकलो अब उस चीज़ में घुस जाओ जो आपको लाइफ में काम देगी जैसे आप शुरुआत में अपने वीडियो एडिटिंग की बात करी ट्राई करो या डिजिटल मार्केटिंग ट्राई कर लो या कंटेंट क्रिएशन ट्राई करो यूट्यूबर बनने का कोशिश करो या इससे हट के बहुत सारे दुनिया में काम है वो सब ट्राई करना शुरू कर दो और वो सब सीखना शुरू कर दो वो सब सीखने में मुझे लगता है आपको तीन चार साल लगने वाले हैं छः महीना साल भर बहुत है और पैसा भी बहुत कम लगेगा तो आपने माँ बाप का पैसा भी बचाया टाइम भी बचाया हाँ शुरुआत में माँ बाप अपोज़ करेंगे क्योंकि नॉर्मल मिडिल क्लास वाले को तो वही चाहिए जो सब ने करा है तो लेकिन माँ बाप को थोड़ा समझाओ बहलाओ फुसलाओ और वो सब पार्ट टाइम में करते रहो जिस दिन बन जाओगे ना माँ बाप भी कहेंगे अरे यही सही था हम गलत थे